बनियान ट्री। इस पेड़ का नाम सुनते ही आपके मन में एक विशालकाय पेड़ का चित्र विकसित होता होगा। आज हम जानेंगे कि ये पेड़ जहाँ होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट कैसे बदल देता है और कैसे ये पेड़ उस जगह को एक अच्छे वातावरण में तब्दील करता है। अगर आपने अपने खेत, आंगन या अपने घर के बाहर कहीं भी एक बरगद का पेड़ लगाया है तो आप मेरे वीडियो को बिना देखे ही जान लिए होंगे कि मैं इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। बरगद का पेड़, जिसे हम हिंदी में बरगद और इंग्लिश में बनियान के नाम से जानते हैं और इसका साइंटिफिक नेम फिस्कस बेंगालेसिस है। ये पेड़ अगर कहीं उग जाए और वो सही से बड़ा हो जाए तो वो उस जगह को जहाँ वो उगा है वहाँ कभी भी पानी की कमी नहीं होने देगा और वहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और ठंड हवाओं से भर जाएगा। ये पेड़ आपके आंगन या आपके घर के बाहर है तो आपकी सुबह चिड़ियों की चहचहाट के साथ शुरू होगी और आपको ये पेड़ अपनी ठंडे हवाओं से आपके तन मन को शुद्ध कर देगा और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। माना जाता है कि ये पेड़ के आसपास बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। ये पेड़ अगर आपने कहीं लगा दिया तो समझिए कि आपने एक छोटा जंगल लगा दिया। ये पेड़ जिस जगह पर होता है वहाँ के 200-300 मीटर के एरिया को ये भरपूर फायदा देता है। वहाँ चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ये पेड़ एक मेडिसिनल पेड़ भी है। इसका उपयोग कई तरह के बीमारियों में किया जाता आ रहा है पुराने समय से। कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे एक बरगद का पेड़ एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना देता है हमारे चारों ओर। अगर आप भी ऐसा ही एटमॉस्फेयर चाहते हैं अपने चारों ओर तो लगाइए कुछ बरगद के पेड़। मेरा मानना है कि एक आदमी को अपने लाइफ में एक बरगद का पेड़ तो लगाना ही चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो के साथ।